ओके स्टूडेंट्स, फोर बेटा ये आपका जस्ट लाइक योर क्विक रिवीजन, टू सेक्शन ऑफ एचटीएमएल, हेडर, हेड एंड बॉडी, क्लियर। नेक्स्ट इज व्हाट इज टैग, एचटीएमएल कमांड इज कॉल्ड टैग, टैग्स आर ऑलवेज इनक्लोज्ड विद इन एंगुलर ब्रैकेट, where we type the html coding in editor, theek hai, editors are of two type, text editor, yes, graphical editor you can say, theek hai, example of text editor is notepad and graphical editor is front page, dreamweaver, clear. Now next is two type of tags, container tag, empty tag, clear. Another category, two type of tags are structural tag, formatting tag. There are only five structural tag. These are head, html head, body, title. आपके पास four बन रहे हैं आपके पास, ठीक है, अब html है, ठीक है, there are some more structural tags पर आपके syllabus में नहीं है, क्योंकि inside the HTML tag there is a meta tag but that is not in your syllabus, that's why जो आपके syllabus में है तो four है तो four ही अपने करने, ठीक है, otherwise there is a big list of structural tag. Next is in the case of body tag, in the case of HTML, tell me two attributes, lang means language, dir for direction, ठीक है. Next is body tag, attributes are bg color, background, text, link, a link and v link. There is a top margin and a left margin. Clear? So these are the different attributes of a body tag. क्योंकि पेपर में क्वेश्चंस कैसे आएंगे कि हो सकता है कि कुछ एट्रीब्यूट्स के नेम दिए हो और लिखा हो इनमें से कौन सा एट्रीब्यूट इज विच एट्रीब्यूट इज ए नॉट ए एट्रीब्यूट ऑफ बॉडी टैग या विच वन इज ए एट्रीब्यूट ऑफ बॉडी टैग, क्लियर, इस तरीके से क्वेश्चन. नाउ व्हाट इज एट्रीब्यूट, एडिशनल इंफॉर्मेशन योर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एनी टैग इज कॉल्ड एट्रीब्यूट. नाउ नेक्स्ट इज इन द केस ऑफ एचआर टैग, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स आर अलाइन, कलर, नो शेड, साइज एंड विड्थ. हाइट इज नॉट ए एट्रीब्यूट ऑफ एचआर टैग, क्लियर. नाउ नेक्स्ट इज डस्टर इज कीस पे है, इसमें देखो now in the case of your font tag is used to change the color of a block, theek hai, so font tag ke attributes are here color, size, face, so these are the three different attributes. Font and base font working is same but there is a slightly difference between font and base font. Base font is a empty tag, font is a container tag. Base font change the basic settings of the browser but font tag change the settings of a particular block. Font tag start, font tag close, iske beech mein jo bhi aapke paas block banega uske upar ye apply hoga.
Seventh BN. Thank you. So, तो आपके इन लेटेस्ट the HTML बेस फॉन्ट इज हैज बीन इलिमिनेटेड, ठीक है? तो वो बेस फॉन्ट एग्जिस्ट नहीं करता. अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो डिफरेंस ये है आपके पास. एट्रीब्यूट्स आर सेम, वर्किंग इज सेम. नाउ नेक्स्ट इज इन द केस ऑफ इमेज टैग, एट्रीब्यूट्स आर SRC. दिस इज ए कंपल्सरी. SRC स्टैंड फॉर सोर्स. नेक्स्ट इज हाइट, विड्थ, ALT अल्टरनेटिव टेक्स्ट, ठीक है? देन बॉर्डर. बॉर्डर कलर इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ इमेज टैग, क्लियर? एंड अलाइन. हियर ALT स्टैंड फॉर अल्टरनेटिव. इट विल प्रोवाइड अल्टरनेटिव टेक्स्ट इन केस इमेज इज नॉट इंसर्टेड, ठीक है, और डिस्प्लेड. बट इन केस इमेज इज इंसर्टेड, इट विल डिस्प्ले ए टूल टिप. टूल टिप मीन्स स्मॉल इंफॉर्मेशन अलोंग विद योर माउस, क्लियर? नाउ अलाइन एट्रीब्यूट. इट हैज डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज आर राइट, लेफ्ट, मिडल, ठीक है, देन टॉप एंड बॉटम. सेंटर इज नॉट ए वैल्यू ऑफ अलाइन एट्रीब्यूट ऑफ इमेज टैग, क्लियर? तो हमने अगर इमेज को सेंटर में करना है तो देयर इज ए सेंटर टैग. क्या हुआ? नहीं होता बेटा, सेंटर नहीं होता. नो नीड बेटा, इट स्पेसिफिकली दे विल नॉट आस्क कि इस ब्राउजर में आप ये करोगे, ठीक है? नेक्स्ट इज नेक्स्ट टैग इज योर पी टैग, पैराग्राफ टैग. इट हैज ओनली वन एट्रीब्यूट, दैट इज अलाइन. देयर इज H1, 2, H6, ओके. H1 इज स्टैंड फॉर हेडिंग लेवल 1, ठीक है? द लार्जेस्ट वन इज H1, स्मॉलेस्ट वन इज H6. सो इट दीज एट्रीब्यूट टैग्स हैविंग वन एट्रीब्यूट, दैट इज अलाइन, क्लियर? नेक्स्ट इज there are some tags that are you may make your text more attractive, or you can say it can apply formatting. These are bold, italic, underline, ठीक है? No any attribute. Even br tag stand for line break, it has no any attribute. So these are different tags, ठीक है? इनमें से कुछ टैग्स कंटेनर्स हैं, कुछ एम्प्टी टैग हैं. जो आपने लिस्ट जब आपने बनाते हो लिस्ट के केस में, देयर आर लिस्ट इज ए ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ डिस्प्लेइंग द डाटा इन ए सीक्वेंस. इफ इट इज इन ए सीक्वेंस लाइक 1, 2, 3 और ABC, इट इज कॉल्ड ऑर्डर लिस्ट. और द शॉर्ट फॉर्म इज OL, ठीक है? एंड इफ इट इज इन नॉट एन ए स्पेसिफिक ऑर्डर, देयर इज नो एनी सीक्वेंस, इट इज कॉल्ड अनऑर्डर्ड और बुलेटेड लिस्ट, ठीक है? Or in the case of OL, there are only two attributes. One is yes type, and another is start. So type attribute, here we will have to specify the type of order. It may be ABC, okay? So you can write here like capital A, small a. No need to use one, because by default it is 1, 2, 3. Clear? Small I for Roman, small Roman, capital I for capital Roman. So these are the total 5 possible value of type attribute of OL tag. And remember one thing, start is always having a numeric value.
ठीक है, सपोज यू वांट टू स्टार्ट फ्रॉम अ सी, तो यू विल से टाइप इक्वल टू कैपिटल ए, स्टार्ट इक्वल टू 3, ठीक है, इट विल स्टार्ट फ्रॉम सी. दैट इज रॉन्ग बेटा. देखो HTML इज नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट मे टेक, ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्ट एट्रीब्यूट हियर शुड बी न्यूमेरिक वैल्यू. क्लियर? तो वो हो सकता है कि डिस्प्ले में भी आ जाए, पर ग्रामेटिकल दैट इज रॉन्ग. नेक्स्ट इज इन द केस ऑफ योर UL टैग, अनऑर्डर्ड टैग लिस्ट, देयर इज ओनली वन एट्रीब्यूट दैट इज टाइप, एंड इट हैज 3 पॉसिबल वैल्यू, स्क्वायर, सर्कल, स्क्वायर एंड डिस्क. बाय डिफॉल्ट इट इज डिस्क. डिस्क इज ए योर सर्कल विद फिल्ड कलर. क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज इन द केस ऑफ योर डेफिनेशन लिस्ट, द टैग इज डेफिनेशन लिस्ट DL, इट इज अ कंटेनर टैग, बट इनसाइड द कंटेनर इट हैज ओनली वन एट्रीब्यूट दैट इज कंपैक्ट. ठीक है, कंपैक्ट विल डिस्प्ले इफ योर टर्म इज वेरी स्मॉल, इन दिस दैट केस स्मॉल एंड डेफिनेशन विल बी डिस्प्लेड इन द सेम लाइन. ठीक है, अदरवाइज क्या होता है कि आपके पास सपोज आपने लिखा हुआ इनपुट, पहले आएगा आपके पास हेडिंग, उसके बाद उसकी डेफिनेशन. बट इफ यू यूज इन द कंपैक्ट, इट मींस फर्स्ट टर्म उसके साथ डेफिनेशन उसकी, ऐसे आएगा लिखा हुआ. ठीक है, इन सेम लाइन. तो देर आर टू मोर एट्रीब्यूट्स यूज इन साइड द डेफिनेशन लिस्ट. One is called DT and DD. Both are empty tags, not a container tag. ठीक है? तो DT stand for definition term and DD stand for definition description. In DT you give the heading and in DD you give the definition. Empty tags. Which tag? LI is a container tag. ठीक है, LI stand for list item that is used inside the list. Next is these two tags having no any attribute, so any only DL, that is a compact. साइबर एक मिनट, मेरे एक ना कुछ एक अभी करवाना हूँ. ओके बेटा, एक बुक में एक और टॉपिक है बेटा, सुनो बेटा. देयर आर टू टाइप ऑफ टेक्स्ट स्टाइल टैग्स, वन इज कॉल्ड लॉजिकल, अनदर इज कॉल्ड फिजिकल. बेटा लॉजिकल जो फॉर्मेटिंग टैग्स हैं, दे परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन इन डिफरेंट ब्राउजर. ठीक है, आप उसको सपोज क्रोम में थोड़ा सा अलग बिहेव कर रहे हैं, मोज़िला फायरफॉक्स में डिफरेंट बिहेव कर रहे हैं. ठीक है, इन्हें कहते हैं हम विच वन लॉजिकल. इट इज डिपेंडेंट ऑन द ब्राउजर. सो दीज टैग्स आर, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसकी एक लिस्ट बना रहा हूँ, आपके पास बुक में भी गिवन है. दीज टैग्स आर DFN. दिस इज इन योर बुक, दिस इज 103 पेज के ऊपर गिवन है. EM, ठीक है, EM टैग इज देयर. देन हियर इज KBD कीबोर्ड के लिए, ठीक है. देन SAMP
there are 5-6, remember these, ठीक है? ठीक है? There is a DFN, ठीक है? ये सारे tags हैं. But there are some tags, these are physical tags. Physical tag means they are not dependent on the browser. They behave similar manner in all the browsers. ठीक है? तो इनमें से आपके पास है bold, italic, TT and underline. तो ये जो आपके पास टैग्स है, ये फिजिकल टैग्स हैं. इनका बिहेवियर सेम होता है चाहे आप किसी भी ब्राउजर में यूज करो. एक आपके पास है टैग स्ट्रॉन्ग टैग, इट मेक बोल्ड, ठीक है? बट दैट इज ए डिफरेंस, इज अदरवाइज अपीयरेंस वाइज सेम. बट बोल्ड टैग इज ए फिजिकल टैग एंड स्ट्रॉन्ग टैग इज ए लॉजिकल टैग. ईएमपी टैग, EM tag, beta. Now tell me, this is equivalent to which tag? Italic. So it is a this tag is a logical, and I tag is a physical. Otherwise, appearance same. No. In order to make your text more bold, there are CSS. Otherwise, if you apply the bold tag 3 times on a text, there will be no any effect. इसके ऊपर apply करते रहो जितने मर्जी tag आपके पास, no effect, ठीक है? It will be bold, fixed amount, clear? Any other doubt? Okay, now the cyber ethics. Now, first term, okay, beta, tell me what is e-commerce? Dekho, commerce with the help of internet is called e-commerce. And what is the meaning of commerce? Buying, trading and trading aids are called commerce. ठीक है? Trading क्या होती? Buying and selling. और trading aids कौन सी होती हैं? इंश्योरेंस, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, जो उसमें हेल्प करती हैं, तो उसे हम कॉमर्स कहते हैं. तो जो भी कॉमर्स, इसका विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, दैट इज कॉल्ड ई कॉमर्स. व्हाट इज प्राइवेसी? प्रोटेक्शन ऑफ योर पर्सनल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड प्राइवेसी. नेक्स्ट इज what is online fraud? Fraud committed with the help of internet is called online fraud. Any 4 examples of fraud? Non-delivery of goods, non-existence of a company, then stealing the information is also a fraud. Okay? Next is credit card. Okay? Credit card ki aapne payment kar di, credit card ki information हमने मिस यूज कर ली बाद में, ठीक है? ये सारे के सारे फ्रॉड्स हैं. नेक्स्ट इज टू वे टू प्रोटेक्ट मींस सेफली यूज ऑफ इंटरनेट. टू वे, टू मेथड्स. वन इज यूज HTTPS, ठीक है? तो देयर इज ए लॉक सिंबल दैट इंडिकेट डिजिटल सर्टिफिकेट. These are the two way you can ensure ki you are safely using the internet. If the website having the HTTPS, it is called hypertext transfer protocol secure. Okay, all the banking insurance company having this this type of in a URL, this type of protocol. Okay. HSTP. हाँ बेटा, इसमें फर्क ये सिक्योर है, सिक्योर है ज्यादा, ठीक है? इसका मतलब बैंकिंग अगर वेबसाइट के साथ अगर ये नहीं है, अगर सिंपल ये है, तो वो फ्रॉड हो सकता है, ठीक है? नेक्स्ट इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. 3 methods to save it secure.
trademark, patent, and copyright. Clear? Three methods to protect IPR is which one? Trademark, then a patent, and a copyright. Any right given on the product model, ठीक है, copyright भी नहीं होगा, ठीक है, आपके trademark आपके पास किसी word या logo के ऊपर होता है, wording के ऊपर, पर copyright होगा किसी model के ऊपर, ठीक है, model हो सकता है जैसे आपकी shape है उसकी, किसी vehicle की shape है, that is a copyright, ठीक है, patent क्या है, exclusive right, it means no any other person can make same type of product. For example, car के ऊपर patent हो तो car सिर्फ एक ही कंपनी बनाएगी, ठीक है, पर ऐसा नहीं होता. Medicines के ऊपर patent ज्यादा होता है, ठीक है, तो patent is not a normal general purpose products, ठीक है, आपके ऊपर wheat के ऊपर floor wheat है आप उसके ऊपर नहीं हो सकता, आप shoes के ऊपर patent थोड़ी लोगे आपके पास, ठीक है, तो patent शूज के ऊपर जो हो सकता है उसकी शेप के ऊपर दैट इज कॉपीराइट हो सकता है, पर उसकी अगर कोई डिफरेंट सी शेप है कंपनी ने बनाई है और जो प्रोडक्ट का नेम है, ठीक है, उसका लोगो है, दैट इज ट्रेडमार्क. क्लियर? नेक्स्ट इज दैट जैसे आपके पास आईपीआर है, अनदर इज डीपीआर, डिजिटल प्रॉपर्टी राइट, एनी इंफॉर्मेशन डिजिटली सेव्ड इन योर कंप्यूटर हैविंग ए DPR. क्लियर? तो आपके पास कोई सॉफ्टवेयर है कंपनी ने दिया आपको, ठीक है, आपने बिना परचेज किए अगर आप उसको यूज करें वो DPR के अंडर आएगा, डिजिटल प्रॉपर्टी राइट, उसके ऊपर कंपनी का डिजिटल प्रॉपर्टी राइट है. इफ यू आर यूजिंग विदाउट द विदाउट बाइंग, दैट इज ए पायरेटेड. व्हाट इज प्लेगरिज्म? आप presenting the other information as your own information, ठीक है, making a, any type of you can say any project work is here, you are copying the data from internet and display printing in your project work, so that is plagiarism. Any two method for avoiding plagiarism? Give proper credit to the creator. Second in one is give the acknowledgement at the end of your work, ठीक है. Third one is use double quotes while using the wording or saying of another person, ठीक है, उसने कुछ भी कहा उसको double quotes में use करो ताकि indicate कि this is not your own word, this is a word of another person, ठीक है. तो ये दीज आर कॉल्ड एथिकल इश्यूज, ठीक है, एथिकल इश्यूज में क्या आएगा, आईपीआर, सेकंड वन इज प्लैगरिज्म, थर्ड वन इज डीपीआर, ये एथिकल इश्यूज हैं. एथिकल इश्यूज में सब तो सबसे पहले क्या आ गया, आईपीआर, तो उसको हमने कैसे सॉल्व करना है वो हमने डिस्कस कर लिया. देन प्लैगरिज्म इज आल्सो पार्ट ऑफ एथिकल इश्यूज एंड थर्ड वन इज डीपीआर. Now tell me, difference between firmware, freeware, then open source, and last one is proprietary software. First is firmware, very small program that is say that is used for booting of your computer system, that is saved in RAM, ROM, sorry. जिसे कहते हैं firmware. ठीक है, वो नॉर्मल सेल नहीं होता, वो मैन्युफैक्चरर ही देता है आपको. कंप्यूटर के जब आप ब्लैक स्टार्ट करते हैं तो ब्लैक स्क्रीन होती है बेटा, सो दैट इज ए योर बायोस, तो बायोस को हम फर्मवेयर कहते हैं. ठीक है, सेकंड वन इज फ्रीवेयर, इज सॉफ्टवेयर विच वी कैन यूज विदाउट मेकिंग एनी पेमेंट बट सोर्स कोड इज नॉट अवेलेबल, इज कॉल्ड फ्रीवेयर. इज सॉफ्टवेयर दैट मे बी फ्री और विद some nominal charges but coding is free of cost is called open source. A software that are paid software, for this you will have to buy the license, is called proprietary software. Examples: window,
एमएस ऑफिस, ठीक है, देन विंडो 10, ये सारे प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स. मैं भी बता रहा हूँ, ठीक है. देन ओपन सोर्स योर मोज़िला फायरफॉक्स, ठीक है, देन एंड्रॉयड ओपन सोर्स है, फ्रीवेयर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्रोम, ये सारे के सारे. अब आपके पास एक डिफरेंस बिटवीन, एक वर्ड है फ्लॉस. इट मींस फ्री लिब्रे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, मींस ए सॉफ्टवेयर दैट इज ए फ्री एज वेल एज ओपन सोर्स, दोनों है, ठीक है, फ्री में भी अवेलेबल है. जैसे आपने लिनक्स इंस्टॉल करते हो, फ्री में भी है एंड इट इज ओपन सोर्स. मोज़िला फायरफॉक्स फ्री में भी है, ओपन सोर्स भी है, दैट इज कॉल्ड फ्लॉस. क्लियर? एंड अदर टर्म इज बट हाई कॉस्ट नहीं हो सकती, हायर रिलायबिलिटी, बेटर क्वालिटी, बेटर मोर फ्लेक्सिबिलिटी, बट इट इज नॉट अ हाई कॉस्ट, नॉमिनल कॉस्ट. क्लियर? देखो बेटा, देखो इसने यहां से लेके यहां तक सारा बोल्ड करना है, ठीक है, तो ये तो सारा कैपिटल लेटर्स में है, आपका सेकंड वन में. बट अगर हम आप इसमें कंपैरिजन करोगे ना, ठीक है, अदरवाइज ये दिस इज प्रिंट, स्कूल प्रिंटिंग, दैट्स व्हाई देयर इज अ प्रॉब्लम. अदरवाइज ये उस बोर्ड की तरफ से आएगा, उस पर क्लियरली मेंशन होगा. एनी अदर प्रॉब्लम? इट इज अ टेक्स्ट बॉक्स. क्यों, आपका फीचर क्या होता है उसमें? फॉर्म इंसर्ट, फॉर्म में अपने टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने कैसे करेंगे? इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स लिखते हो ना. बेटा ये आपके पास, बेटा देखो इसमें तो अगर आप कंट्रोल कर कह रहे हो तो दैट इज ए टेक्स्ट, जो टेक्स्ट बॉक्स है उसको ही कंट्रोल कहते हैं. कंट्रोल कौन कौन से? टेक्स्ट बॉक्स है, रेडियो बटन्स है, देन चेक बॉक्स है, ये सारे कंट्रोल्स है. एनी डाउट बेटा? ओके स्टूडेंट्स, आई एम क्लोजिंग द मीटिंग. Take care, bye, bye.